काशी विद्यापीठ में NSTUI जिला अध्यक्ष रेशम ने लगाया विद्यापीठ PRO पर छेड़खानी का आरोप। दोषी के खिलाफ कार्रवाई का किया मांग। वाराणसी जनपद के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में छात्र संघ चुनाव में जहां एक पद छात्र संघ के फंड पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ छात्रों ने कहा कि जाति सूचक शब्दों का प्रयोग लगाकर मुकदमा करने की आरोप लगाया गया है। पूरे मामले को लेकर NSTUI के जिला अध्यक्ष एवं पूर्व महामंत्री रेशम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जब कोर्ट में मामला विचाराधीन है तो छात्र संघ के फंड पर रोक लगाने के मांग को लेकर हम लोग जनसंपर्क अधिकारी से मिलने गए थे, जिस पर उनके द्वारा हम लोगों को धमकी दी गई थी कि जाति सूचक प्रयोग का आरोप लगाकर तुम पर मुकदमा करियर तबाह कर दूंगा। वह रेशम ने जनसंपर्क अधिकारी पर आरोप लगाते हुए पेपर में छपी खबरों के आधार पर जनसंपर्क अधिकारी पर आरोप लगाते हुए कहा कि दो लड़कियों ने उनके ऊपर छेड़खानी का आरोप लगाया है। इनके ऊपर भी पहले इस तरह के आरोप लगा चुके हैं, इसलिए हमारी मांग है कि इस मामले की उसकी जांच कर दोषी को सजा दी जाए। देखिए, उद्देश्य हमारा यही है कि अभी हाल ही में जनसंपर्क अधिकारी द्वारा और वो PRO के कुलपति जी के हम लोगों पर गलत आरोप लगाया गया है। वो पूर्णतः ये बोले उस आरोप में कि छात्र आते हैं, मुझे कमरे बंद करते हैं, मारपीट करते हैं और जाति सूचक गालियां देते हैं। तो हम सभी छात्र उस स्तर तक के नहीं है कि उनको जाति सूचक गालियां दी जाए। और साथ ही साथ इस प्रेस वार्ता का कार्य यही था कि अगर सर हम लोग ऐसा आरोप किए हैं तो उस आरोप को सिद्ध करिए और हम लोगों पर मुकदमा कर लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि जो नौरतन सर है उनके ऊपर पहले से ही छेड़खानी का आरोप चलता आया हुआ है। आप किस चीज को देख सकते हैं, सन 2017 की बात है, दो लड़कियों को कमरे में बुलाते हैं और उनके साथ छेड़खानी करते हैं, यौन शोषण करते हैं, उत्पीड़न करते हैं, जिसका मामला अभी भी चल रहा है, ये आप इस पेपर को देख सकते हैं। और जनसंपर्क अधिकारी किस तरीके से बना दिए गए, क्योंकि जनसंपर्क अधिकारी वही बनना चाहिए जो मास कम्युनिकेशन का प्रोफेसर है, जर्नलिज्म का प्रोफेसर है, वो इंग्लिश डिपार्टमेंट का प्रोफेसर है। साथ ही साथ वो ऐसा भी कार्य करते हैं कुलपति जी का खास बनकर, कुलपति बोलते हैं मैं कुलपति का बहुत खास हूँ, वो लड़कों को परेशान करते हैं और उनसे रिजल्ट के नाम पर, नंबर बढ़वाने के नाम पर उस तरीके से कुछ पैसा लेते हैं। तो हमारा यही आरोप है और यही रिक्वेस्ट है कि सर उस मुकदमे को वापस ले लीजिए, और नहीं अगर लेते हैं तो हम छात्र एक शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे, मीडिया का सहायता लेके अपने मीडिया तक बात पहुंचाएंगे। बस इतनी इसी बात को लेकर लोग प्रेस वार्ता दे रहे हैं। आपने इस बात को लेकर BCT तक गए हैं, BITIG तक गए हैं, और इस सब मामले में क्या नहीं लगता है कि विश्वविद्यालय की जो इमेज धूमिल हो रही है? देखिए, बात लगी विश्वविद्यालय की इमेज की, तो हम लोग खुद काशी विद्यापीठ के छात्र हैं, वर्तमान छात्र हैं, तो हम लोग खुद नहीं चाहेंगे कि हम लोग यूनिवर्सिटी का बदनामी हो। पर जहां तक प्रोफेसर अगर उतर गया है छात्रों को बदनाम करने में, जब वो खुद यूनिवर्सिटी के छात्रों को बदनाम कर रहा है, तो छात्र अपनी बात को रखने के लिए और उस चीज को सिद्ध करने के लिए मीडिया का सारा और DIG और DCP का सारा लेगा ही लेगा। तो ये और आगे कहां तक जाएंगे इस मुद्दे को लेकर, क्या करेंगे? देखिए, अभी हम लोग कल DIG सर से मिले हैं, आज DCP सर से मिले हैं, और अभी आधे घंटे के बाद 2 बजे हम लोग कुलपति सर से मिलने का समय दिया गया है। तो अभी कुलपति जी से मिलेंगे, कुलपति जी से मांग की जांच करने की मांग करेंगे। अगर उसके बाद भी इस चीज को सिद्ध नहीं किया जाता है तो हम लोग पूर्णतः ये कहेंगे कि वहाँ CCTV कैमरा लगा हुआ है, रिकॉर्डिंग निकालिए, अगर उन्होंने मारपीट किए तो लोग सजा दीजिए, और नहीं फिर भी नहीं होता तो हम लोग आंदोलन करने के लिए बात होंगे। आप लोग किन मुद्दों को लेकर कि इस बार छात्र संघ का जो मामला है वो हाईकोर्ट में अभी विचाराधीन है, हाईकोर्ट में मामला चल रहा है, तो हम लोग उनसे यही मिलने गए थे कि जब तक सर हाईकोर्ट में मामला चल रहा है तब तक छात्र संघ का वो जो छात्रों का पैसा है उसको अभी रोक दिया जाए। जब ये मामला फिर से ठीक हो जाएगा और निर्णय आ जाएगा किसी पक्ष के रूप में तो उसको फिर चालू कर दीजिएगा। तो उसपे बात करने गए थे पर वो बात हमसे नहीं किया और गलत गलत आरोप लगाने लगे कि SCSC मुकदमा लग दूंगा, तुम्हारा करियर खराब कर दूंगा और उस मुकदमे को वापस नहीं लोगे तो तुम्हारा सारा डॉक्यूमेंट, तुम लोग का सारा रिजल्ट हम लोग के पास है, तुम लोग को समझ में आएगा। जब हम लोग बात करने गए थे तो उस टाइम हमारे साथ जो प्रभु पटेल इस बार छात्र महामंत्री प्रत्याशी जिनके साथ गलत हुआ वो उपस्थित थे, प्रफुल्ल पांडे थे जो पूर्व महामंत्री हैं, संदीप पाल थे जो पूर्व उपाध्यक्ष हैं, और मैं ऋषभ पांडे, मानिक यादव छात्र, इतिहास डिपार्टमेंट का छात्र था।